खबर में आगे बढ़ते हैं। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता पर भारत को रूस का साथ मिला है। यूएन की बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लोवरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, मजबूती से समर्थन किया गया है रूस की तरफ से। रूस के विदेश मंत्री की ओर से यह कहा गया है कि रूस भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन करता है। तो आपको बता दें कि यूएनएससी में भारत को रूस का साथ मिला है। यूएनएससी में रूस ने भारत को समर्थन दिया है और इस तरीके से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता में भारत की दावेदारी और मजबूत होती नजर आ रही है, क्योंकि रूस का साथ भारत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन, क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित रहा है। जयशंकर ने कहा कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से आतंकवाद के प्रायोजक देशों और उन्हें बचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जयशंकर ने कहा कि भारत बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। तो आतंक को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, यूएन में विदेश मंत्री जयशंकर की ये दो टूक है। पाकिस्तान और चीन को खरी खरी सुनाई गई है और इस बीच यूएन को यह भी कहा गया है कि आतंकवाद के प्रायोजक देशों और उन्हें बचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism, regardless of motivation. And no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains.